हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो हूँ और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्निशियन से स्वागत दोस्तों। तो एक बार फिर मैं जॉब को नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूँ जो निकला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ऑफिस जो है इसका ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल बर्धमान मेडिकल कॉलेज। ठीक है, कहाँ पर निकला है ये वैकेंसी? बर्धमान मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल वर्धमान मेडिकल कॉलेज। ठीक है, और इसका जो है मेमो नंबर जो है नोटिफिकेशन का ये है और डेट ऑफ रिलीजिंग जो है 26/10/21 है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि नोटिस फॉर वर्क इन इंटरव्यू फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट। ठीक है, ये जो वैकेंसी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे निकला हुआ है इसके लिए ये जो है आपको इंटरव्यू के माध्यम से ये सिलेक्शन होगा। प्योरली ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा है इन टर्म ऑफ द नोटिफिकेशन इशूड बाय मिशन डायरेक्टर NHM एक्सक्लूसिव डायरेक्टर वेस्ट बंगाल स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति स्वास्थ्य भवन से ये निकला गया है। ठीक, निकाला गया है। इसके बाद है वाइड मेमो नंबर जो है ये है और डेट जो है 2 सितंबर 2021 की किसी का डेट है वॉक एंड इंटरव्यू का। ठीक है, ये मेमो नंबर का जो है डेट है 2 सितंबर 2021 का। ठीक है, वॉक एंड इंटरव्यू जो है इसका हैज़ बीन अरेंज इंगेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ फॉर जो फॉलोइंग पोस्ट फॉर थैलेसेमिया कंट्रोल यूनिट बर्धमान। ठीक है, ये किसके लिए है, ये जो है इंटरव्यू जो होगा और इसका जो डिपार्टमेंट है इंगेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट किसके लिए, किस पोस्ट के लिए, ये क्या है थैलेसेमिया कंट्रोल यूनिट के लिए जो है आपको इसमें सिलेक्शन किया जाएगा पोस्ट। ठीक है, उस डिपार्टमेंट में आपका जहाँ थैलेसेमिया का रिसर्च हो रहा है या उस डिपार्टमेंट में जहाँ पे इसका लेबोरेटरी है उस डिपार्टमेंट आपको क्या है पोस्टिंग किया जाएगा और ये कहाँ पे है बर्धमान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बर्धमान में। और ये लिखा हुआ कि प्योरली एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है, इसमें जो स्टाफ नर्स का वैकेंसी कितना है, टोटल 2 पोस्ट है और सैलरी जो मिलेगा आपको 25,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, ये जो है आपका 40 ईयर्स तक है। 21 से मिनिमम क्वालिफिकेशन जो दिया गया है GNM ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल या तो वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द WBNC बोला गया है कि वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से जो है रजिस्टर होना अति आवश्यक है। इसके बाद डिजरेबल एक्सपीरियंस दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद थैलेसेमिया पेशेंट एंड देयर फैमिलीज एक्सपीरियंस है तो अच्छा है। ठीक है, अब बारी आता है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का। इसमें क्या है, फिक्स सैलरी 22,000 मिलेगा, सैलरी ठीक ठाक है। टोटल वैकेंसी इसमें भी 2 है और एज लिमिट जो है 19 से लेकर 40 तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10+2 होना चाहिए PCB से और कैंडिडेट कैंडिडेट शुड हैव 2 ईयर्स डिप्लोमा फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल होना चाहिए और है डिप्लोमा इन लेबर टेक्नीशियन फ्रॉम STM और BMLD जो है फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से होना चाहिए। इसके बाद एक्सपीरियंस बोला गया है कि सेल काउंटर आपका हैंडल करना आना चाहिए और साथ ही साथ HPLC मशीन। ठीक है, HPLC जो है आपका थैलेसेमिया डिपार्टमेंट में रहता है। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या है डिजायरेबल एक्सपीरियंस जो है आपका सेल काउंटर एंड HPLC दिया गया है किसके लिए, तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, यहाँ पे HPLC का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक मशीन होता है। ठीक है,
तो इसके बाद जो है इसमें नीचे जो दिया गया है कुछ पॉइंट दिया गया है इंटरव्यू में आपको जाने से पहले, इस पॉइंट में ये दिया गया है कि आपको क्या क्या प्रूफ लेके जाना है साथ में, क्या क्या नहीं ले जाना है, NOC लेके जाना है कि नहीं जाना है, जहाँ पर जैसे काम कर रहे हैं अभी वहाँ से आपको NOC भी लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी को जो है इंटरव्यू से पहले जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद NTA DA आपको नहीं मिलेगा इंटरव्यू में से सिटिंग करने के लिए, यानी आपको इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए, ठीक है। और ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा प्योरली आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड इंटरव्यू में उसके हिसाब से मार्क मिलेगा, ठीक है। एकेडमिक में जितना मार्क्स ऑब्टेंड किए रहेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, साथ ही साथ इंटरव्यू का अलग से मिलेगा, ठीक है। और इसका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है 16 नवंबर 2021 10:30 AM, और इसका जो वेन्यू है रिपोर्टिंग का और इंटरव्यू का न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल वर्धमान में है, वर्धमान मेडिकल कॉलेज वर्धमान में, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आप इसको फिलअप करके और इंटरव्यू के दिन जो है जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन आपको इस फॉर्म को फिलअप करके और साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड जो फोटो कॉपी मांगा गया है, जो भी प्रूफ मांगा गया है सभी को लेकर आपको इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।